दोस्तों, एवरी प्रोफेशन हैज़ अ सर्टन ड्रेस कोड एंड पीपल बिलोंग्स टू पर्टिकुलर प्रोफेशन आइडेंटिफाइड बाय देयर अटायर। जी हाँ, हर एक प्रोफेशन का एक उनका ड्रेस कोड होता है एंड जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उनके अटायर यानी उनके ड्रेस कोड से ही पहचाने जाते हैं। अ लॉयर्स ड्रेस कोड इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रूल्स मेड अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम ड्रेस कोड ऑफ फीमेल एडवोकेट्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं एडवोकेट संजोत लाहौटी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजोत LLB पे मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सेक्शन 49 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 में एडवोकेट के ड्रेस कोड के लिए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मेल एडवोकेट के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। अ ब्लैक बटनड अप कोट, चपकन आचकन, ब्लैक शेरवानी एंड वाइट बैंड्स विथ एडवोकेट्स गाउन, और अ ब्लैक ओपन ब्रेस्ट कोट, वाइट कॉलर स्टिफ और सॉफ्ट एंड वाइट बैंड्स विथ एडवोकेट्स गाउन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेल एडवोकेट्स के साथ ही साथ फीमेल एडवोकेट्स के लिए भी एक ड्रेस कोड बनाया है। सेक्शन 49 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 में इसकी जानकारी दी गई है। तो आइए हम जानते हैं कि फीमेल एडवोकेट्स के लिए क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। ब्लैक फुल स्लीव जैकेट और ब्लाउज, वाइट कॉलर स्टिफ और सॉफ्ट विथ वाइट बैंड्स एंड एडवोकेट्स गाउन, वाइट ब्लाउज विथ और विदाउट कॉलर विथ वाइट बैंड्स एंड विथ अ ब्लैक ओपन ब्रेस्टेड कोट, और साड़ी और लॉन्ग स्कर्ट्स, वाइट और ब्लैक और एनी मेलो और सबड्यूड कलर विदाउट एनी प्रिंट और डिजाइन, और फ्लेयर्स, वाइट ब्लैक और ब्लैक स्ट्रिप्ड और ग्रे, और पंजाबी ड्रेस, चूड़ीदार कुर्ता और सलवार कुर्ता विथ और विदाउट दुपट्टा, वाइट और ब्लैक, और ट्रेडिशनल ड्रेस विथ ब्लैक कोट एंड बैंड्स। दोस्तों, जो एडवोकेट्स गाउन होते हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में पहनना अनिवार्य है। इफ़ अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपेयर होते हो तो आपको वहाँ पे गाउन पहनने की ज़रूरत नहीं है, यानी गाउन पहनना सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य है। सो दोस्तों, ये रही पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए